एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में बस कुछ ही सामान था, जिसमें से उसकी सबसे प्यारी चीज थी एक पुरानी जंग लगी कुकर। यह कुकर रामू के लिए बहुत खास थी, क्योंकि उसकी दादी ने उसे यह कुकर दिया था और रामू का मानना था कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। एक दिन रामू भूख से बेहाल था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, अगर यह कुकर सचमुच जादुई है तो शायद यह मुझे कुछ खाना दे दे। रामू ने कुकर को साफ किया और उसमें पानी डाला। फिर उसने कुकर को चूल्हे पर रख दिया और मंत्र बोलने लगा। कुछ ही देर में कुकर से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आने लगी। रामू ने कुकर खोला और अंदर देखा। कुकर में सचमुच स्वादिष्ट चावल, दाल और सब्जी से भरी थाली थी। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। फिर उसने भोजन खाया और उसका पेट भर गया। अगले दिन रामू फिर से भूखा था। उसने फिर सोचा, शायद कुकर मुझे आज भी कुछ खाना दे दे। रामू ने फिर से कुकर को साफ किया, पानी डाला और चूल्हे पर रख दिया। फिर उसने मंत्र बोलना शुरू किया और कुछ ही देर में कुकर से स्वादिष्ट रोटी और करी की खुशबू आने लगी। रामू ने रोटी और करी खाई और फिर से उसका पेट भर गया। इस तरह रामू को हर दिन कुकर से स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। इस जादुई कुकर की वजह से अब रामू को भूखा नहीं रहना पड़ता था। एक दिन गांव के राजा को रामू की कुकर के बारे में पता चला, तो राजा ने रामू को अपने महल में बुलाया। राजा ने रामू से पूछा, यह कुकर कैसे जादू करती है? रामू ने कहा, यह कुकर मेरी दादी ने मुझे दी थी। उनका कहना था कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। राजा ने कुकर को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। राजा को उस कुकर में कुछ भी खास नहीं लगा, क्योंकि वह बाकी कुकर की तरह ही नॉर्मल था। फिर राजा ने रामू से कहा, मैं तुम्हारी कुकर खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले में सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दूंगा। रामू बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं यह कुकर बेच दूं, तो मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। रामू ने राजा को कुकर बेच दी और सोने के सिक्कों से भरा थैला ले लिया। लेकिन जैसे ही रामू ने थैला घर ले जाकर खोला, सिक्के गायब हो गए। रामू के हाथ में सिर्फ खाली थैला रह गया। इसके बाद रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली जादू कुकर में नहीं बल्कि उसके विश्वास में था। रामू ने बहुत पछतावा किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी अच्छा नहीं होता है। हमें हमेशा ईमानदार और संतुष्ट रहना चाहिए।